आपका स्वागत है और हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया और देशवासियों के सारी आशा अपेक्षाओं को आपने जीत लिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आमतौर पर मैं देर रात दफ्तर में काम करता रहता हूँ तो, लेकिन इस बार मैं टीवी भी चल रहा है और सफाई भी चल रही थी ध्यान तो केंद्रित नहीं हो रहा फाइल में लेकिन आप लोगों ने शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, सो हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का। और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है, बहुत मैचेस में फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है इसमें। बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, जो यंग जनरेशन आएगी, इन ये लड़के भी इंस्पायर हुए हैं। 2011 का जो विक्ट्री थी उसको देख के बड़े हुए हैं काफ़ी ये लड़के। तो अभी इन लड़कों ने ये परफॉर्मेंस देख के आई एम श्योर लड़के लड़कियां हमारे देश में इन लोगों को हर स्पोर्ट्स में बहुत इंस्पायर किया है। तो हम पहले शुक्रिया देना चाहते हैं आपका और मैं सिर्फ इन लड़कों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बधाई तो आप लोगों को है भाई, देश के नौजवानों को आप बहुत कुछ आगे वाले दे सकते हैं। विक्ट्री तो दे दिए हैं लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं। अपने आप में एक आपके पास एक अथॉरिटी है नाउ। चाहो क्यों सीरियस है मैंने सही पकड़ा है ना हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है रोहित मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा कि ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब सब लोगों ने उस चीज़ का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप बट हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज़ को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा लेकिन रोहित मैंने दो एक्सट्रीम चीज़ें देखी इसमें, मुझे इमोशंस नज़र आ रहा था। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे
जो नृत्य होता है। सर उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज़ का इतने साल से इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना चलकर, कुछ अलग करना। तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप, चहल और कुलदीप। आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है, प्लेयर के नाते तो शायद पुराने आपकी अमानत थी उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे ये, क्योंकि आपने उस समय काफ़ी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, आज इतना कर लिया, तो मुझे हमारे साथी थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि एक 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफ़ी टफ टाइम चल रहा था वो, मेरे को याद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट जब आपका कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफ़ी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टर से मैंने ओपिनियन लिया था, फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। ये ना बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी माँ मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा, ये मेरा मन में विचार आया था, उसी समय आया था जी, और आपने करके दिखाया जी। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा, मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं, ये मेरा दोष है, ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना कोई भी बहाना निकालता, गड्ढा था, डिगना था, फलाना था, आपने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती थी। शायद ये आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है, और मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ दोस्त, और हर किसी से सीखता हूँ, तो मैं सच बताता हूँ आपका जीवन देश के पेशेंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर बेपक्का बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे जी। और मैं जानता हूँ जो विकेट कीपर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कितनी कठिन होती है, घंटों तक अंगूठे पकड़ा के खड़ा रख देते थे, लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है, तो बहुत बड़ा काम किया है जी, बधाई आपको। थैंक यू सर। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक जो लंबी तपस्या होती है वो समय पे काम आती है। आपने खेल में जो तपस्या की है वो जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। पहले रन विराट कोहली की कवर ड्राइव, पॉइंट दिशा में पहला चौका लजीज खूबसूरत, कैप में इस बार डेविड मिलर के पास कोई मौका नहीं। बल्ला सिलेंडर पर रखिए, गेंद उड़ी, खूब उड़ी, उड़ी उड़ी उड़ी,
डिस्टेंस में जाके चुरी, चालाक चतुर लोमड़ी उड़ाया, उठा के दे मारा, चार मिलेंगे, बल्ले बाली है, उड़ान कसम की उड़ान, भरिए छह का लगान, गगनचुंबी छक्का। विराट बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए, मुझे पहले चार बॉलों में तीन चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है टीम के लिए, क्या ज़रूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है, तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से हम मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहाँ से मैच पलटा और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, एक एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद, और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं बुला पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहाँ से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट के कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76। तो कभी कभार ये पल होती है जी जब सब लोग कहते हैं यार तुम भी कर लोगे, वो भी एक बार करा करते ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे तो? अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज़्यादा है तो परिवार से ज़्यादा बात नहीं हुई, मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। पर एक ही, मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी कोच, और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी, और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया। जी नहीं सर, मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूँ तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूँ, चाहे नया बॉल हो या इडली खा के जाते हो क्या मैदान? नहीं नहीं नहीं। कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ।
और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहां मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। जितना मैंने क्रिकेट को देखा है, हमेशा देखा कि 90 के बाद कितना ही विक्टरी का मूड हो, सब कुछ हो, फिर भी जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। 90 के बाद वो वैसा ही, लास्ट ओवर हो, हार जीत एक बॉल के सहारे हो, तो कितना बड़ा तनाव होता होगा। ऐसे में उन समय कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा या क्राउड को देखूं या नर्वस होकर दूसरे लोगों को देखूं तो शायद मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं उस टाइम फोकस करता हूं अपने आप के बारे में, सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को हेल्प कर पाया हूँ, तो उस वो सब चीज़ें याद करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे दिन में मैंने टीम को कैसे हेल्प किया है, तो वो सब चीज़ें याद करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं है। और नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। पर या बहुत अच्छा सिनारियो रहा, बहुत बैक टू बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे, तो एज ए टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते, इतना इमोशंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत प्राउड फीलिंग है, और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की। बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन देश प्राइड कर दो, गर्व होता है सबको। उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापिस आए, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। लेकिन आज जो 6 महीने गुजरे पूरे तरीके से चालू हुआ, और देखे ऊपर वाले की कृपा, देखे कि मौका भी कैसा मिला। आखिरी ओवर में ऐसा एक सिचुएशन जहां मैं इमेजिन नहीं कर पाया, और बस क्या बताओ, आई एम स्पीचलेस। हार्दिक बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए हमें, और वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफ़ी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीज़ें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना, एक आप हमेशा झगड़ते रहते, मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहें, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे, और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था, और बस प्रिपरेशन किया और तैयारी की, और ऊपर वाले तकदीर भी ऐसी दी गेट, लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं, वो ओवर तो आपके हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने जब सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन, हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया, कि तूने तो उसने बोला कि नहीं नहीं और मतलब गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया, जहां से पूरी हम जहां टेंशन में था वहां से सब खुशी में चले गए। Yeah, foot's inside there. Blown up. Keep it rolling, please. Yeah, foot's inside there. Keep it rolling. Thank you. Ready with my... Surya. खो गया सर। सर वो मोमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ये नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर, 1 रन हो 2 रन हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी। और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर यही था
कि उठा के फिर दूसरे साइड दे दूँ, फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे और उड़ाया और आ गया हाथ में। बट ये चीज़ हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से। एक चीज़ के बारे में मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता ही हूँ खाली, लेकिन वो ख़त्म होने के बाद और किस चीज़ में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फील्डिंग में और किसी क्या और ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें मार बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। हाँ टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था, तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए। बट ऐसी प्रैक्टिस की हुई थी पहले से, इसीलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है। बट कोई पीछे स्टैंड में बैठा नहीं रहता वो टाइम पे, बट इस टाइम पे ज्यादा लोग बैठे थे। बट बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट में रह के। मैं बताता हूँ जी भाई, इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि एक तो पूरे देश का एक मिजाज उतार चढ़ाव बड़ा तनावपूर्ण था, और उसमें से पूरी परिस्थिति पलट जाए ये घटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है, और आपकी जिंदगी के साथ ये जुड़ गई तो आप तो बहुत बहुत लकी इंसान हो यार। एक और स्टार लग गया सर, अच्छा लग रहा है। बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आपके पिताजी का एक स्टेटमेंट पूरे देश में बार बार चर्चा हो रही है, उनको जब पूछा गया तो बड़ा यानी दिल को छूने वाला जवाब है इनके पिताजी का। उन्होंने कहा देखिए पहले देश बाद में बेटा, ये बहुत बड़ी बात है जी। Oh, the edge, that's gone. Yogi, ek aur shikar. Ek aur. Singh is. Hardik, bataiye. Sir, thank you. पहले तो आपने मौका दिया हमें आपसे मिलने का, and उसके बाद क्रिकेट को लेके बहुत बढ़िया फीलिंग है सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट हम जीते हैं, एंड बॉलिंग में मैंने पहले भी जैसे बताया कि बहुत अच्छा लगता है जब जस्सी भाई साइड से बॉल डालते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखते हैं बैट्समैन पे, और बैट्समैन मेरे को ट्राई करते हैं तो मेरे को विकेट्स मिलते हैं काफ़ी सारे, और बाकी भी बॉलर्स ने बहुत अच्छे से गेंदबाजी की है तो मैं कहूँगा उसका फल मेरे को मिलता रहा, एंड वही काफ़ी मज़ा आ रहा था मेरे को, विकेट्स मिल रहे थे, एंड क्रेडिट सारी टीम को जाता है। अक्सर जब स्कूल में खेलता था तब एक बार मुझे शायद उसको प्राइज देने का मौका मिला था 8 स्टैंडर्ड में। मेरा खुद तो खेल की दुनिया से रहा नहीं, लेकिन मैं खेल जगत में कुछ भी अगर हलचल होती है तो मेरा मन उनके साथ लग जाता है। What a catch! That looked to be sailing over the ropes, and Akshar Patel grabs onto a blinder. What a catch! वो कैच में यही था, उनकी पार्टनरशिप बनी हुई थी, पहले ओवर में विकेट गिरा था उसके बाद गिरा नहीं था, और जब कुलदीप बॉल डाल रहा था तो मैं जिस तरफ खड़ा था उस तरफ ही हवा चल रही थी, तो मैं खड़ा था और उसने जब शॉट मारा तो मुझे लगा कि इजी कैच हो रहा है, बट वो हवा के साथ इतना तेज जाने लगा तो मैं पहले सोच रहा था मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा, लेकिन जब बॉल गया तो मतलब ये तो राइट हैंड पे जा रहा है, तो फिर जंप मैंने मारा उस टाइम पे, और जब हाथ में इतना जोर से आवाज आया उस टाइम पे मुझे कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाथ में पकड़ लिया है मैंने, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बार छूट जाते हैं ऐसे कैच, बट लकी था कि वर्ल्ड कप में इस टाइम पे जब टीम को जरूरत थी तब वो कैच पकड़ लिया मैंने। तो अमूल का दूध काम कर रहा है। नड़िया टप टप आने की थोड़ी दिक्कत थी अक्षर को ढोकला दिखा। अच्छा Oh, not at all. This is top bowling from Kuldeep Yadav. Joyce Maxwell looks at the replay. He's trapped in France, and the finger goes up.
Yes, I did. Oh, that's a good one. That's the wrong one coming in. LBW. Now that's pretty close. Michael Goff says. Thank you so much, sir. Kuldeep kahe ki Deshdeep kahe. सर पहले सर देश का ही हो तो ऑब्वियसली सर भारत के लिए सारे मैच बहुत अच्छे लगते हैं खेलने में, बहुत मज़ा भी आता है, बहुत प्राउड भी फील करता हूँ. और टीम में मेरा रोल भी वैसा ही अटैकिंग स्पिनर का, तो हमेशा मिडिल ओवर में बॉलिंग करता हूँ, तो कैप्टन और कोच का हमेशा प्लान भी रहता है और रोल भी मेरा यही है कि विकेट निकालो मिडिल ओवर में. सो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मिडिल ओवर में विकेट निकालूँ और फास्ट बॉलर अच्छे स्टार्ट दे देते हैं, एक दो विकेट निकाल देते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है मिडिल ओवर में बॉलिंग करना. सो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. 3 वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ और ये अच्छा मौका था, ट्रॉफी उठाया तो बहुत खुशी हो रही है. तो कुलदीप, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नचाया. अरे सर वाह, बहुत भाई सही. yes, मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं, तो मैंने इनको ही बताया कि ये कर सकते हैं. पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने. तो शिकायत है. सर से डिस्पैच किया है. एक और फोर अर्धशतक रोहित शर्मा के नाम. रोहित शर्मा कमाल है भैया. सिंगल मिलेगा, अर्धशतक 19 गेंदों में आए हैं. कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. क्या ले क्या ताल, एक और छे. ₹2007 में सबसे छोटू खिलाड़ी और 2024 में विजयी टीम के कैप्टन, क्या अनुभव करते हैं? सर सच बोलूं तो जब 2007 में मैं पहली बार टीम में आया था और एक टूर हमने आयरलैंड में किया था जब जहाँ पे राहुल भाई कैप्टन थे, फिर उसके बाद हम सीधा साउथ अफ्रीका चले गए वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत गए पहली बार. तो जब इंडिया आए हम वर्ल्ड कप जीत के, तो पूरी मुंबई रास्ते में थे. हमें एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम जाने के लिए 5 घंटा लगा. तो 2-3 दिन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वर्ल्ड कप जीतना काफ़ी आसान है. लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप आते गए, बहुत बार हम पास पहुँचे बट जीत नहीं पाए. ये वर्ल्ड कप में मैं एक चीज़ बड़े कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूँ कि लोगों में काफ़ी डेस्परेशन और बहुत हंगर था. जब हम यहाँ से वेस्ट इंडीज़ गए, काफ़ी मुश्किलें थी वहाँ पे. जब हम न्यूयॉर्क में पहली बार क्रिकेट हो रहा था, कभी क्रिकेट वहाँ पर हुआ नहीं था, प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज़ में ध्यान नहीं था, बस एक ही चीज़ में ध्यान था कि हम बार्बाडोस में फाइनल कैसे खेलेंगे. तो उससे मतलब ऐसे टीम को कैप्टनसी करना भी काफ़ी अच्छा लगता है कि सबका गोल एक है कि कैसे जीतना है. और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है और लोग इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रात रात तक सड़कों में घूम रहे इंडिया का फ्लैग लेकर, तो काफ़ी अच्छा लगता है. और हम ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इनका हमारा एम भी यही है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इंस्पायर करते जाए. जैसे जब राहुल भाई और सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, लक्ष्मण, ये लोग सब खेलते थे तो हम सब उनको देखते थे, तो उन्होंने हम सारे
लड़कों को इंस्पायर किया है, बट हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आगे वाले जनरेशन आएंगे उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। और ये शायद ये वर्ल्ड कप से आई एम श्योर कि आने वाले पीढ़ी में वो उत्साह बिल्कुल रहेगी। रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो। ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। सब मैच जीतना, और इस बार तो आपका कुनबा भी बड़ा था, कई नए नए देश जुड़ रहे हैं अब। और क्रिकेट में ये बात सही है कि जो खेलता है वो इतनी मेहनत करके आता है तो उसको शायद अंदाज नहीं आता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, क्योंकि वो तो लगातार करते आया है। देश पर तो प्रभाव होता है, लेकिन भारत की एक क्रिकेट की एक विशेषता है, भारत की क्रिकेट की यात्रा बड़ी सफल रही है, उसने अब और खेलों में भी इंस्पिरेशन का काम करना शुरू किया है। और खेल के लोग भी सोचते हैं यार क्रिकेट में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। यानी ये बहुत बड़ी सेवा आपके माध्यम से हो रही है, ये अपने आप। और देश को अगर आगे हमें बढ़ाना है, हमें सभी खेलों में वही स्पिरिट पैदा करना है कि दुनिया में हम झंडा गाड़ के आएंगे। और मैं देख रहा हूँ आज देश में, और छोटे छोटे गांव से टैलेंट मिल रही है जी, टीयर टू टीयर थ्री सिटी से टैलेंट मिली। पहले तो बड़े शहर बड़ी क्लब वहीं से आते थे, अब ऐसा नहीं। आप देखिए आपकी टीम में भी आधे से अधूर लोग ज़्यादा ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्थान पर से आए। ये एक्चुअली विजय का प्रभाव है, और जिसका परिणाम हमें लंबे अरसे तक मिलता है। अफगानिस्तान के मिनिस्टर का बयान था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। उनको साउथ अफ्रीका के साथ लास्ट में खेलने का मौका मिला, ये यात्रा उनके लिए बहुत बड़ी सफलता की यात्रा थी, लेकिन उन्होंने क्रेडिट भारत को दी। बोले अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का ये जो प्रगति है उसका अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो भारत के लोगों ने हमारे बच्चों को तैयार किया, उसके कारण गया है। आई थिंक लाइक वी ऑलवेज से इट्स नॉट अबाउट द रन, इट्स नॉट अबाउट द विकेट्स, यू विल नेवर रिमेंबर योर करियर, बट यू विल रिमेंबर मोमेंट्स लाइक दिस। Who win the T20 World Cup after 17 years. Across this wonderful country. And is that an emotion that you ever see from Rahul Dravid? The wall of Indian cricket. But those are expressions we haven't seen in a long, long time. आप लोगों ने राहुल को 20 साल छोटा कर दिया। नहीं, श्रेय इन लड़कों को जाता है, क्योंकि हम लोग, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं प्लेयर रह चुका हूँ और मैं कोच भी रह चुका हूँ, हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस पूरी टूर्नामेंट में मैंने एक रन भी नहीं किया बनाया या एक विकेट भी नहीं ली, एक कैच भी नहीं ली, हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, हमारी जो पूरी टीम होती है, एक सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है, हमारे जो दूसरे कोचेज होते हैं, हमारे बहुत अधिकृत सपोर्ट स्टाफ की जो टीम होती है, मेरा ये मानना है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, और हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। जो प्रेशर का सिचुएशन होती है, रन बनाने हैं विराट को या बुमराह को या हार्दिक को या रोहित को या सब लोगों को, यहाँ पे ये लोग करते हैं, तो हम इनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। इनको जो चाहिए उनको हम ये दे सकते हैं उनको, और पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है। उन्होंने ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, एक ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, मुझे मतलब मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ इन लड़कों का, जो जिन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा समय मुझे एक दिया, इतनी एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस जो दी है। तो मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो इस टूर्नामेंट में जो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी, तो इस टीम में ऐसे 11 जो लड़के खेले थे, इसमें 4 लड़के बाहर भी बैठे थे। इसमें मोहम्मद सिराज ने पहले 3 मैच खेले थे यूएसए में, हम लोग फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खेल रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले इस टूर्नामेंट में। और 3 ऐसे लड़के थे हमारे टीम में जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, संजू ने एक भी मैच नहीं खेला, यूजी चहल को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला, और यशस्वी जायसवाल को भी एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। पर उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो उत्साह था बाहर देख के, कभी ऐसा नहीं, उनका मुँह उन्होंने नीचे नहीं किया, और वो बहुत हमारे लिए और हमारी टीम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हैं, कि जो बाहर बैठे हुए लड़के होते हैं उनकी जो क्या एटीट्यूड होती है, उनकी जो स्पिरिट होती है,
तो मैं उनको भी बहुत दाद दे देता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि एक कोच के नाते पूरी टीम की तरफ आपका ध्यान होना, और ये मैं समझता हूँ ये तीन चार वाक्य भी आपके जो भी सुनेगा उसको लगेगा कि भाई हो सकता है कुछ लोग मैदान में हमने देखे नहीं है लेकिन वो भी मैदान में रंग भर देते हैं, मैदान को जोर दे देते हैं। और क्रिकेट में मैंने देखा हर किसी का कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही होता है जी, इतना बड़ा टीम स्पिरिट की ज़रूरत होती है तब जाके होता है। लेकिन राहुल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अब 28 में USA में जब ओलंपिक होगा तो क्रिकेट को अब ओलंपिक में ऑलरेडी स्थान मिल चुका है और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा अब उस तरफ लोगों का ध्यान रहेगा। अगर भारत सरकार एस सच या क्रिकेट बोर्ड एस सच या थोड़ा आप लोग माइंड अप्लाई करके ओलंपिक की तैयारी का मतलब क्या होता है, कैसे करना होता है, उस पर थोड़ा सीरियसली सोचना है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं ज़रूर मोदी जी, ये ओलंपिक में खेलना एक एक्चुअली एक क्रिकेटर्स के लिए एक वो मौका मिलता नहीं है हमको, क्योंकि ओलंपिक्स में क्रिकेट इस बार फर्स्ट टाइम आएगा 2028 में, तो मेरे ख्याल से बहुत एक बड़ी चीज़ होगी देश के लिए भी और क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्रिकेटर्स के लिए कि उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करना है। और एक जो दूसरे, जैसे आपने पहले भी कहा, दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनके साथ रहना, उनके साथ, क्योंकि उन स्पोर्ट्स में भी कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कितने हमारे देश को गर्व लाते हैं। और ये जो ओलंपिक्स इतनी मतलब बड़ी इवेंट है उसमें क्रिकेट का रहना क्रिकेट के लिए गर्व की बात है। और मेरे पूरी उम्मीद है कि जो भी होंगे बोर्ड में उस टाइम में, हमारी जो BCCI होंगी वो पूरी तैयारी उस टूर्नामेंट के लिए करेगी। होपफुली मेरे पूरी उम्मीद है इस टीम में से तो काफ़ी लड़के होंगे ही होंगे उसमें, मुझे पूरी उम्मीद है काफ़ी यंग लड़के हैं जैसे रोहित है, विराट है, तो बहुत लोग होंगे 28 तक तो बहुत लोग तो मैंने पूरी उम्मीद है कि ये लड़के आएंगे और वहाँ पे गोल्ड जीतना मतलब और खुशी की बात हो नहीं सकती, तो उस पर पूरा मेहनत करना चाहिए हमें। Thank you.